तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, देन कॉस की पावर 8x प्लस 2 कॉस की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 4x, इसकी वैल्यू निकालनी है, एवेल्युएट करनी है वैल्यू, अगर अगर ये दे रखा है तो इसी से शुरुआत करते हैं। हमने लिखा साइन एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर की तरफ ले जाए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या बन गया ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। तो देखते ही समझ में आता है जहां पर कॉस की पावर 2 लिखा हुआ है वहां पर हम साइन की पावर एक्स पुट कर साइन एक्स पुट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को। यहां पर बेसिकली क्या लिखा हुआ है, कॉस की पावर 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4x प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, 2 तो ऐसे ही आएगा, यहां पर क्या लिख देंगे, साइन की पावर 3x प्लस यहां पर क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स। ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको जरा दोबारा रिप्रोड्यूस करते हैं तो जरा आपको देखने में यह समझ में आएगा कि ये ऐसे लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, जरा ध्यान से देखिए, है ना, साइन क्यूब एक्स है प्लस ये किसके बराबर है, ये साइन एक्स का स्क्वायर। क्या आपको दिख गया यहां पर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या बात समझ में आती है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूं इसको, इसको मैं लिखूंगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको सीधे सीधे यहां पर a किसके बराबर है, a है यहां पर साइन स्क्वायर x, और b किसके बराबर है, b है यहां पर ये साइन x, है ना, इसका होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x प्लस साइन x, साइन स्क्वायर x प्लस साइन x 1 के बराबर दे रखा है, 1 का स्क्वायर, हेंस द आंसर इज 1, दिस इज द आंसर, ओके, नोट कीजिए।